नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निवान। गाजियाबाद जिले के गांव मोरटा में कुत्ते के भौंकने पर हुए विवाद में पिता और उसके दो बेटों को गोली मार दी गई। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यह घटनाक्रम सोमवार देर रात की बताई जा रही है। मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र के गाँव मोरटा में सुशील गोवंश पालन करते हैं। सुशील मूल रूप से विजयनगर के रहने वाले हैं। चार दिन पहले उनका सदरपुर गाँव निवासी सत्यम और शिवम से विवाद हुआ था। विवाद की वजह कुत्ते के भौंकने को लेकर था। उस वक्त संभ्रांत नागरिकों ने दोनों पक्षों को बैठाकर विवाद शांत करा दिया। सोमवार रात फिर से दोनों पक्षों में विवाद हुआ। आरोप है कि इस दौरान शिवम और सत्यम ने सुशील व उनके दो बेटों अरुण और तरुण को गोली मार दी, जिसमें सुशील की कमर में गोली लगी है, जबकि दोनों बेटों के पेट को गोली छूती हुई निकल गई। तीनों घायलों को संजय नगर के संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मामले में सुशील की पत्नी कुंतेश ने शिवम व सत्यम के खिलाफ जानलेवा हमले की FIR कराई है। थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार का कहना है कि शिवम और सत्यम को गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही गोली मारने में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया। उन्होंने बताया कि तीनों घायलों की हालत डॉक्टरों ने खतरे से बाहर बताई है।